सकते हैं आप लोग एक लाइन से कितने सारे मिट्टी के घैले रखे हुए हैं, मटका रखा हुआ है जिसमें मटन बनाया जाता है। मेरा नाम सूरज कुमार है, कहते हैं ऐसे प्यार से मटन डायरेक्टर भी बोल दिया। ये तो 90 kg रखा हुआ है, ये अभी इस पे 90 kg रखा हुआ है। और देख सकते हैं कोयले की आंच के ऊपर इस गर्मी में देख लीजिए कितना मेहनत से ये लोग मटन बना रहे हैं हम लोग के लिए। रोटी और चावल, आप एक रोटी खाइए या 20 रोटी खाइए, 40 रुपए में अनलिमिटेड रोटी, अनलिमिटेड जितना खाइए 50। लेकिन ये 3 गो जो शेर है ना, ये देखिए भाग के आया है जंगल से, ये 3 गो शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं। शेर कभी घास नहीं खाता, जो घास खाता उसको शेर खा जाता। तो जी क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, और जैसा आपसे कहे थे कि मिलेंगे आप लोगों से पटना की फिर से किसी और ऐसा ही नई सी वीडियो में किसी नए से जगह के साथ। तो पटना में काफ़ी दिनों से एक बहुत मटन का आउटलेट फेमस हो रहा था, ददन हांडी मटन। हम लोग ने भी इसके बारे में बहुत सुना और सोशल मीडिया पर बहुत इसके बारे में पढ़ा और देखा भी कि ददन हांडी मटन काफ़ी फेमस पटना में चल रहा है। तो आज हम लोग ही पहुंच चुके हैं इस जगह पे यहाँ का मटन ट्राई करने और आपको बताने कि कैसा है टेस्ट। काफ़ी चर्चा सुनते थे और कभी ट्राई नहीं किए थे, तो जानना ज़रूरी था कि आखिर क्या इतना फेमस है, जो वीडियो इनका इतना वायरल हो रहा है और इतना लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सुबह के अभी करीबन दोपहर के कह लेंगे, सुबह के नहीं 12:30 बज रहे हैं और लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कितने सारे बाइक यहाँ पर लगी हुई है और अंदर मटन खाने के लिए लोगों की उतनी ही भीड़ है। अभी हम लोग मौजूद हैं PGS मोड़, जो दानापुर जंक्शन की तरफ आप लोग बढ़िएगा सोगना मोड़ से वहाँ पे। वैसे इनका एक दो ब्रांच और है, गोला रोड में भी है और एक और कहीं, वो हमको पता नहीं है, हम उनसे पूछ के आपको बता देंगे। तो ये मेन ब्रांच है, हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं और आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि इनके मटन में क्या कुछ ऐसा खास होता है, क्या ऐसा प्रिपरेशन होता है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने के लिए आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, काफ़ी ही चिलचिलाती हुई धूप है, लेके चलते हैं आपको अंदर और इनके मटन बनाने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है, तो आपको सारा कुछ दिखाते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए हमारे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, इधर देख सकते हैं आप लोग एक लाइन से कितने सारे मिट्टी के घैले रखे हुए हैं, मटका रखा हुआ है जिसमें मटन बनाया जाता है, ये सारा जो यूज होने के बाद इधर साइड में रखा हुआ है, कितना सारा क्वांटिटी में है और ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं होगा, इतना यहाँ का सेल है। पता नहीं एक दिन में कितना केजी मटन सेल कर लेते हैं। तो अंदर जा रहे थे तो बहुत सारे कस्टमर खा के वहाँ से निकले हैं, कैसा लगा? हम लोग बहुत नाम सुन के आए हैं। अच्छा तो है, लेकिन पीस वगैरह कम, पहले से क्वांटिटी कम। अच्छा, कर पीस में क्वांटिटी कम हो गया है बढ़ते महंगाई के चलते हुआ देखते हुए ऐसा हुआ। रेट वही है कि रेट भी कुछ कम नहीं? रेट तो ठीक है, पीस कम और मसाला का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, गर्म मसाला का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ज़्यादा किया गया है, बाकी सब सही है। चलते हैं हम लोग भी, तब ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद ही जेन्युइन रिव्यू दे पाएंगे। और जैसा ही हम लोग अंदर एंटर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी बांस बल्ले से ये बनाया हुआ है, और सामने में देख सकते हैं हांडी रखा हुआ है, में ही मटन का हांडी में प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है। तो यही भैया को हम लोग ने काफ़ी वीडियो में देखा था, इनके बनाने का तरीका का हम लोग फैन थे, इस तरह से ये बनाते थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है, लोग कहते हैं ऐसे प्यार से मटन डायरेक्टर भी बोल दिया। मटन डायरेक्टर कहते हैं, फिल्म डायरेक्टर से मटन डायरेक्टर भी होने लगा। लगभग कितना केजी यहाँ पे रखा हुआ होगा मटन हांडी? ये तो 90 kg रखा हुआ है, ये अभी इस पे 90 kg रखा हुआ है। और ये कौन सा लॉट है? ऐसा ऐसा दिन में कितना बार बन जाता होगा? ऐसा ऐसा लॉट 4 बार बनता है दिन भर में। मतलब आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। और एक आपके यहाँ का डायलॉग बड़ा फेमस, हाँ, शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता, जो घास खाता उसको शेर खा जाता है। सर यही चीज के लोग यहाँ पे दीवाने हैं और यही वीडियो में इतना वायरल हो रहा है जो कह नहीं सकते। दुकान का हेडलाइन है, शेर दिलवाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाते, टैगलाइन है। हाँ, जो घास खाता है उसको शेर खा जाता है। सर, हाँ, मटन जो खाते हैं शेर होते हैं? हाँ, शेर दिलवाले होते हैं। तो नॉनवेज लवर जो होंगे, मटन लवर जो होंगे, वो इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर रहे होंगे और सुन के काफ़ी खुश हो गए होंगे। आपको हम करीब से दिखाते हैं कि किस तरह से हांडी के अंदर कोयले की आँच के ऊपर मटन का प्रिपरेशन यहाँ पे चल रहा है, और देख सकते हैं कोयले की आंच के ऊपर इस गर्मी में देख लीजिए कितना मेहनत से ये लोग मटन बना रहे हैं हम लोग के लिए। और देखिए ये हांडी के अंदर मटन का प्रिपरेशन चल रहा है, हांडी मटन होता है, स्टू मटन नहीं, और अभी बन रहा है और अभी बनने में ही इतना लाजवाब लग रहा है, टेस्ट करने के बाद देखेंगे कि कैसा रहता है। लगभग कितना देर इसको बनने में लगता होगा? 1.5 घंटा लगता है। अभी कितना देर से चढ़ा हुआ है ये? अभी हो गया इसको करीब 1 घंटा। अच्छा, लगभग ये दुकान कितना पुराना होगा?
लगभग ये तो साहब हमारा 32 वर्ष का दुकान है, इनका पहले होटल लाइन लाइन होटल था, है ना राहुल? हाँ अच्छा, उसको उनका एक ब्रांच गोला रोड में भी है ना, वहाँ से हम लोग भी आए हैं, लेकिन हमको आप इनसे मिलना था, स्पेशली हम लोग यहाँ सगुना मोड़ वाले ब्रांच पे आए हैं। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। और जैसा कि अंदर हम लोग आए और देख सकते हैं कि कैसा गांव टाइप का यहां पे प्रिपरेशन है, और संडे का दिन है इसलिए कस्टमर का भीड़ काफ़ी यहां पे ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि संडे का दिन है, वीकेंड का दिन है, सब लोग आए अपना मटन इंजॉय कर रहे हैं। और बाहर हम लोगों ने आपको प्रिपरेशन दिखाया, हम अंदर आ चुके हैं, संडे का दिन है, देख सकते हैं कि पीछे कस्टमर की कितनी भीड़ है, कस्टमर आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, सैटरडे संडे को थोड़ा ज़्यादा भीड़ ऐसे भी होता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ के ऑनर हैं, इनसे जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ददन सिंह रावत। अच्छा, आपके नाम पे ही ये होटल है, कितने दिन से होगा ये होटल? ये तो होटल पहले लाइन होटल था, ये 88 से है, आज से 35 साल पहले से मेरा 35 साल पहले, लेकिन पहले लाइन होटल था, अब उसको कन्वर्ट कर दिए हैं मटन हांडी में, लेकिन अब लाइन होटल स्पेशली मटन के लिए जाना, हाँ जाना जाता है। क्या खासियत है जो लोग इतना पसंद कर रहे हैं आपका मटन? खासियत ये है कि मेरा मटन भी बनता है अच्छा, मटन भी अच्छा रहता है, मेरा मसाला भी अच्छा रहता है, मसाला मेरा कोई मार्केट से थोड़ा बहुत नहीं आता है, अपना पिसा हुआ, हाँ अपना पिसा हुआ, मैं अपना मसाला तैयार करता हूँ। और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि मैं एक ददन हांडी मटन का नाम से ही मीट मसाला और सब्जी मसाला का जिस तरह से MDH आए ये सब निकाले हैं लोग, उसी तरह हम भी निकालने जा रहा हूँ, इसी लेवल में अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा निकालेंगे, हाँ कम प्राइस में और अच्छा मसाला निकालेंगे। यहाँ का हम लोकेशन चाहेंगे, यहाँ का लोकेशन है स्टेशन रोड, दानापुर स्टेशन रोड, PGS मोड़, और साइड में है आपका लेखा नगर, PGS मोड़ लेखा नगर, ददन हांडी मटन होटल, पटना में एक दो और जगह है, ददन हांडी पूरे पटना में तीन गो है ददन हांडी, एक यहाँ है लेखा नगर में, एक गोला रोड में, एक संपत चक बैरिया में, और चौथा मेरा खुलने जा रहा है राजीव नगर नेपाली मोड़ पर खुलेगा, वहाँ तैयारी चल रहा है। तीनों जगह लोगों की ऐसी ही भीड़, इसी तरह भीड़ मिलेगा, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है ना वो ददन हांडी का मटन का ही स्वाद कुछ अलग है, लोग इतना पसंद करते हैं। पटना में तो तमाम जगह मटन मिलता है लेकिन कुछ खास, लेकिन हाँ इसका जवाब हमको नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग भी टेस्ट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो आइए, हम प्राइस क्या रहता है सर मटन? प्राइस है देखिए, मेनू तो लगाए हुए हैं लेकिन प्राइस है हांडी मटन, केवल हांडी मटन 900 रुपये किलो है, जो व्यक्ति हमारे पास यहाँ खाते हैं 200 ग्राम मटन जिसका कीमत हुआ 180 रुपया, प्लस उसमें 40 रुपया जोड़ देते हैं, 40 रुपया जोड़ देते हैं रोटी और चावल, आप एक रोटी खाइए या 20 रोटी खाइए, 40 रुपया में अनलिमिटेड रोटी, अनलिमिटेड जितना खाइए, 50 रोटी खाइएगा फिर भी आपको 40 रुपया लगेगा। ये काफी नया हाँ। चीज देखने को मिला कि 40 रुपया और आप इंक्लूड करवाइए और रोटी चावल का उसके बाद कोई पैसा नहीं, अनलिमिटेड आप 5 खाइए या 10 खाइए। तेर है ना, ये देखिए भाग के आया है जंगल से, ये तीन गो, ये देखिए तीनों का मैं कैद कर करके तीनों से मटन बनवा रहा हूँ, क्योंकि जैसा तू खाया है ना उसी तरह तुम बनाओ, और नहीं बनाएगा तो वही तुमको घास खिलाना शुरू कर दूंगा, मर जाएगा तड़प करके। यही तीनों है, ये देखिए एक ये है एक ये है, ये तीनों, हाँ यही जंगल से भाग के आया, पकड़ के रख लिया हूँ। रोटी का प्रिपरेशन हो रहा है कोयला के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रोटी यहाँ पे बनाया जा रहा है, चावल का भी ऑप्शन है, रोटी का भी, आप लोग जो चीज़ खाना चाहें खा सकते हैं। शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं, शेर कभी घास नहीं खाता, जो घास खाता उसको शेर खा जाता। भैया यहाँ शेर दिल वाले ही आते हैं, शेर दिल वाले ही मटन खाते हैं। आपका ध्यान किधर है, मटन का हीरो इधर है भैया, ददन हांडी होटल, 220 रुपया में पेट का टोटल। की मटन की प्लेट लग रही है कितना भैया? 200 ग्राम मटन है, 200 ग्राम मटन है, 220 रुपया प्राइस है, साथ में रोटी चावल अनलिमिटेड है। तो जी अपनी हांडी मटन की प्लेट आ गई है, ददन हांडी की हांडी मटन, देख सकते हैं आप लोग प्लेट, तीन चार पीस मटन है, 200 ग्राम, साथ में चावल रोटी अनलिमिटेड है, 220 रुपये इसका प्राइस है, और रोटी चावल आप जितना लेना चाहें, साथ में प्याज है। और अगर मटन की बात कर ली जाए, मीडियम साइज़ का पीस है, ना ही ज़्यादा छोटा ना ही ज़्यादा बड़ा, गर्म है काफ़ी ज़्यादा, ग्रेवी काफ़ी थिक लग रहा है, रिच ग्रेवी है, मसाला का पूरा यूज़ किया गया है। हम लोग को लेट हो रहा है, जल्दी से ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट। तो जी पहले रोटी के साथ ट्राई करके देखते हैं कि कैसा फ्लेवर आता है, उसके बाद फिर आराम से चावल के साथ ट्राई करेंगे। एक रोटी के साथ बढ़िया सा बाइट तैयार करते हैं,
देख सकते हैं आप लोग की ग्रेवी काफ़ी थिक है, बिल्कुल ही रिच ग्रेवी है। चर्बी थोड़ा बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, ज़्यादा भी नहीं है। ट्राई किया जाए, देखा जाए कैसा टेस्ट है। तो पहले बाइट में जैसा फ्लेवर आया, गरम मसाला का भरपूर यूज है और काफ़ी तीखा है। जो लोग स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए बहुत मस्त है। एक और बाइट तैयार किया जाए। जो लोग थोड़ा कम तीखा खाते हैं उनको हल्का सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि स्पाइसी अच्छा खासा है। ट्राई करते हैं और पीस देखते हैं कि अच्छे तरीके से पका हुआ है कि नहीं। और ये पीस आप लोग देख सकते हैं, हंडी का पीस है तो हल्का टाइट हो जाता है। हाँ, हल्का सा तो टाइट है पीस। इसको डायरेक्ट ऐसे खाने का जो देसी स्टाइल है उस तरह से खा के देखते हैं। पीस हल्का हल्का टाइट है, चबाना पड़ रहा है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा है। पीस थोड़ा सा टाइट है, मानना पड़ेगा। तो चलिए, और चावल आप लोग देख सकते हैं, अनलिमिटेड चावल है, 40 रुपये आप लोग ऐड कराते हैं। चावल का क्वालिटी भी काफ़ी सही लग रहा है। ग्रेवी के साथ चावल का एक अच्छा सा बाइट बनाया जाए और साथ में थोड़ी सी प्याज डाल के ये बेहतरीन सा बाइट ट्राई किया जाए और देखा जाए कि चावल के साथ कैसा फ्लेवर आता है। इसका स्पाइसीनेस जो है ना चावल के साथ थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। रोटी के साथ तो भाई साहब बहुत तीखा लग रहा था, जहाँ तक हम भी बहुत तीखा खाते हैं फिर भी हमको तीखा लग रहा है। हाँ, चावल के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है, चावल का क्वालिटी भी काफ़ी सही है। चावल के साथ टेस्ट हमको ज़्यादा पसंद आया, आप लोग का पता नहीं रोटी आपको ज़्यादा पसंद या चावल, लेकिन चावल के साथ हमको ज़्यादा सही लगा। तो अपना मटन आराम से इंजॉय करते हैं और फिर खा के तब आपसे मिलते हैं। तो जी, हम लोग खा पी के तो निकल चुके हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, पीस हल्का टाइट था, कम पका हुआ था, चलिए उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा था। स्पाइसी भाई साहब बहुत ज़्यादा था और धूप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, इस गर्मी में स्पाइसी खाने में हालत ख़राब हो गया। तो बस अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का लोकेशन सारा डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फॉलो करके आप लोग आ सकते हैं। वैसे 2-3 जगह और है, यहाँ आइए या कहीं जाइए, टेस्ट सारे जगह आपको सेम ही मिलेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था और यहाँ का बहुत डिमांड आ रहा था। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा, और उम्मीद करेंगे कि अच्छा तो लगा ही होगा, इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा ना कि आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो ठीक है दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही किसी और ऐसे ही नए से वीडियो में।